लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जहां निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर नगर निगम के सभी वार्डों में राजस्व कर्मचारियों के साथ वार्डों में मोहल्ला सभाओं का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को SDM सदर प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में व्यापारियों और शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई तथा उपस्थित लोगों को EVM के साथ VVPAT की जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों को बताया गया कि कोई भी व्यक्ति EVM को हैक नहीं कर सकता, इसलिए निश्चित होकर अपने मतदान का प्रयोग करें। इसके बाद मतदाताओं को मतदान करने के प्रति शपथ भी दिलाई गई। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए SDM सदर प्रथमेश कुमार ने बताया। सम्मानित व्यापार मंडल के प्रतिनिधि साथ ही हमारे मीडिया के कदम से कदम फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब एज अ फर्स्ट टाइम वोटर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए ये वाला पोर्शन में। और अगर आप अपना निर्णायक केंद्र चेंज करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन में, ठीक है। और राइट साइड में देखिए यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे आपको आपका फोटो लगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो ये वाला पोर्शन में लगवा दीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैंडेट पर्टिकुलर्स में यहाँ पे लिखा है नेम, तो आप अपना नेम यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिख दिया शुभित मेरा नाम यहाँ पे, और उसके बाद सरनेम यहाँ पे लिख दीजिए, तो मैं लिख दिया त्रिवेदी, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेम एंड सरनेम ऑफ रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट, मतलब आपका रिलेटिव का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो मेरा पापा का नाम मैं यहाँ पे लिख दिया शशांक शेखर त्रिवेदी। और देखिए फादर में टिक कर दिया, तो अगर आप मम्मी का नाम लिखते हो तो फादर में टिक कर दीजिए, अगर आप हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखते हो हस्बैंड में टिक कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे डाल दिया 30/01/1996, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ पे आपका जेंडर ऑफ एप्लीकेंट, क्या जेंडर है, मेल हो या फिर फीमेल हो, या फिर वो आपका एड्रेस, मतलब करेक्ट एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, तो हाउस का जो नंबर है यहाँ पे आप डाल दीजिए, फिर स्ट्रीम वाला पोर्शन में। और अगर आप न्यूली अप्लाई कर रहे हो तो आप एपिक नंबर यहाँ पे ना डालिए, क्योंकि जनरली आपके पास एपिक नंबर है ही नहीं। उसके बाद देखिए ऑप्शनल पर्टिकुलर्स, मीना पुलीना के अंदर वो स्टेट का नाम सेकंड ब्लैंक में आपको डालना है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है एज अ पार्टी ऑफ ऑर्डिनरी है, और यहाँ पे कुछ एक्नोलेजमेंट नहीं है। हर नागरिक जिनका पैसा एकदम पूरा करेगा 18 साल, बुक करवा अपना रजिस्ट्रेशन हर हाल, बिल्कुल कुछ सामान खरीद लिया, लेकिन ये
जीएस में मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, जीएस में एक विचारक हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी लोकतंत्र के विषय में कि लोकतंत्र में वैल्यू काउंट नहीं होना चाहिए, वेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई जागरूक मतदाता, कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज के प्रति ज्यादा चिंतक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, व्यापारीगण हैं, उनके वोट काउंट नहीं होने चाहिए, उनका वजन होना चाहिए। हालांकि हम लोग इक्वल वोटिंग और हमारा ये जो है कि लोकतंत्र समावेशी हो, समावेशी लोकतंत्र के दिशा में हम लोग काफी आगे बढ़े हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। गाँव का अंतिम जो जगह है वहाँ पे आप कभी पढ़ते होंगे अखबारों में कि 5-5 दिन पहले पोलिंग पार्टियां जाती थी उत्तराखंड और पहाड़ी इलाकों में, तो नंबर काउंट ना हो, क्वालिटी काउंट हो। आप जब आप वोट करते हैं तो आपका एक विजन होता है कि व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में हम क्या चाहते हैं, सरकार से मेरी अपेक्षाएं क्या है। तो आप अपना जब वोट कास्ट करेंगे तो आपका वो मत जो है वो परिलक्षित होगा आपकी सोच, आपकी परिलक्षित होगी आपके मत में। तो ये आपसे अपील है कि कृपया 19 मई को जो मतदान होना है उसमें सशक्त और कम से कम हम लोग ये कहने की स्थिति में न रहे कि शहरी वोटिंग कम हुई, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हैं हमारे बुलावे पर, आप सभी का आभार। और आप लोग अगर चाह लेंगे तो वोटिंग परसेंटेज तो निश्चित तौर पर हम लोग फर्स्ट डिवीजन पास होंगे, हमारी यही अपेक्षा है। जो 14% है जो काउंट ही नहीं हो सकता वो उसको आप लोग घटाएं, और मिनिमम 60% तो चाहिए ही चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि 70% वोटिंग हो जितने लोगों का रहे होगा। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे कानूंगो साहब ने और तहसीलदार साहब ने काफी विस्तार में बता दिया है, मैं उन्हीं सब बातों पे कुछ जो बिंदु हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं जो मुझे लगता है जिसपे पुनः दोहरा के फायदा होगा। टेस्ला साहब ने बताया है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बूथ थे जहाँ पे मात्र 14% वोटिंग हुई है। मैं आपको बता दूँ ऐसे भी बूथ थे जहाँ पे मात्र 9% वोटिंग हुई है। सिविल लाइन्स, बेतियाहता, शहर के बीच बीच के बूथ हैं जहाँ पर उपचुनाव में मात्र 9% वोटिंग हुई है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसको हम सभी को सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो कि केवल इलेक्टोरेट के 9% लोगों ने चुनी है। क्या हम चाहते हैं कि सिर्फ 9% की जो सोच है, 9% का जो वोट है वो काउंट करे कि हम सब आए भारी संख्या में और वोट करें, क्या उचित है? ये सब तो हम सभी को सोचना है। निश्चय ही 100% वोटिंग होनी चाहिए। 19 मई में गर्मी भी होगी पर हम सभी का एक प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की जाए। चुनाव आयोग ने 1 घंटा वोटिंग का टाइम भी बढ़ाया है, 5 बजे की जगह 6 बजे तक वोटिंग होगी, सिर्फ इसीलिए कि गर्मी के दिनों में शाम को आप लोग वोट दे सकें। मतदान परसेंट हम लोगों का टारगेट 60% का है, हमारी आप सभी से यही उम्मीद है, यही हम लोग चाहते हैं कि आप सभी आए और वोट करें। ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में भी बताया कानूनगो साहब ने, वीवीपैट का मतलब है वेरिफाइड वोटर पेपर ऑडिट ट्रेल। जो सभी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि क्या अगर मेरे पास एपिक कार्ड नहीं है तो क्या मैं वोट नहीं डाल सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका नाम अगर मतदाता सूची में है आप वोट डाल सकते हैं। आपके पास सिर्फ 12 आई कार्ड है जो होने चाहिए, 12 में से कोई भी एक आई कार्ड चलेगा। आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आप लोग देखिए आपका नाम मतदाता सूची में है कि नहीं, और इन्हीं में से किसी एक आई कार्ड के साथ बस उपस्थित हो जाइए वोट देने के लिए। यही स्टिकर हम चाहते हैं आप लोग अपना जाए, एक सीधा सीधा सा एक लाइन है, पहले मतदान फिर जलपान, इस तरह की अगर एक लाइन जिससे लोगों को जागृत किया जा सके, हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी
किसी ने प्रभावन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय लोकतंत्र, जय लोकतंत्र, भारत माता की जय। आज तहसील सदर में सभा कक्ष में हमने गोरखपुर शहर के सभी सम्मानित व्यापार मंडल के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों को बुलाया था और उनको हमने मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया था। हमने उनको यह बताया कि वे हमारी सोसाइटी के बहुत इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स हैं, महत्वपूर्ण नागरिक हैं और उनका सहयोग हमें चाहिए ताकि 19 मई को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मतदान करें। हमने उनसे यह भी आग्रह किया है कि छोटा प्रमोशनल मटेरियल जो है मतदान से संबंधित पोस्टर, पैम्फलेट, स्टिकर, वो अपने कस्टमर्स में भी बांटें और अपने दुकानों में, व्यवसायों में भी लगाएं।